ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿ ਨਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਤ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਭੌ ਭੌ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਖ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਲਡੀ ਢੋਲੀ ਢੱਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਗੰਜ ਦਿਖਾ ਤੇ ਸਹੀ फिर ठीक है ते पहले एवल आएगा इस तो बाद एक व्लॉग आएगा जेड़े गाने दी आपा एडिटिंग कराया जा रहे ना ओ वाले गाने दा तुहाडा व्लॉग आएगा पूरा गाने च फुल फन कीता आपा नड्डियां ते गड्डियां ते नाल नोटा दी गड्डियां सारा कुछ सीगा गाने च नाल दारू भी सीगी पीण वाली नहीं नॉन अल्कोहलिक वो सारा कुछ लेकिन गाने च आपा पूरा अल्कोहल ही रखया लेकिन बिल्कुल बिल्कुल तुसी और तक ट्रैफिक दे नजारे लो सानू सीधा राह नहीं मिल रहा पुट्ठा आ रहे ने लगता जो पैदा हुए थे ना तो पुट्ठे सिर के पार गिर गए थे ता सारे पुट्ठे आ रहे हैं हाँ जी तो आप कह रहे थे देखो जे तुम कॉरपोरेट वाले हो तुम गुड़गांव जॉब करते हो तो हफ्ते जी पांच दिन तुम्हें यह लगता है कि रोड ट्रैफिक देखते हो ट्रैफिक जाते हो ट्रैफिक आते हो संडे एक ऐसा दिन है जिस दिन तुम घर हो तुम सोच रहे हो कि यार जिंदगी कुछ मिसिंग है मिसिंग ही है ट्रैफिक मिसिंग है क्योंकि तुम हफ्ते के छे दिन का ट्रैफिक देख रहे हो एक दिन तुम्हें वेख्या नहीं और जे तुम पीतमपुरा रेंदे हो या आस पास पंजाबी बाग कितने भी रेंदे हो जे तुम्हें ट्रैफिक देखना है तुम्हें कुछ नहीं करना गड्डी चको बाइक चको साइकिल चाहे तुम पैदल ही आ जाओ तुम आना पंजाबी बाग देखो सामने बोर्ड लगा होना बोर्ड दिख रहा है सामने देखो पंजाबी बाग तो पश्चिम विहार तुम इतने आ जाओ तुम जाम ही जाम मिलेगा जाम है हर जगह जाम है और मैं लगता है जो पुल बन रहा ना साढ़े बच्चे जाएंगे पुल से और एवला व्लॉग तुम सारे संभाल के रखियो कि जो थोड़े बच्चे होंगे उन्होंने दिखाना कि एक ऐसा भी दौर सेगा कि पंजाबी बाग भी जाम हों हूँ तो तुम पुल तो चले जाते हो ना उपरों सीधा सानू पता है कल्ला ही चला रहा गड्डी ए बंद करके ना जाम है सड़क से उन्हें कल्ला गड्डी चला रहा है बाइक लिया भरा तो स्कूटी लिया चलो कोई नहीं आप किसी को कुछ कह नहीं सकते पर पंजाबी बाग तो पश्चिम बिहार मतलब है जो पी है ना पी उपर पंजाबी बाग के नाल पश्चिम बिहार और इधर ही पीरागढ़ी भी लिखो आगे मैं लगता तो यह पी 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 है ना बड़ी खतरनाक चीज है पी चलती है क्योंकि जगह ही इधर ही है गाना सी क्या कहता साढ़े दी ला विच बस गई यो पी 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 और इधर पी पी भी चल रहा है पीछे जी में देख रहे हो वही तो कह रहे हैं जहां मैं पंजाबी बाग का जहां मैं पश्चिम बिहार भी है पी है तो पी पी तो होगा ही इतने ता करके और छड़िया की जिंदगी तो वैसे ही पी ओनली पी है या तो एवला पी वजह नहीं साडा बंद ताई ताई तो मुंह कर रहे हैं आपा पी 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 चलो भैया चलो नहीं तो लग हुआ यार डीडी डी है की डीपीपी डीपी दिल्ली पुलिस चलो कोई चक्कर नहीं चल रहे आपा जाना तो है ही है की कर सकते हैं जान वाले ने कोई रोक पाया नहीं है वो पतंदर सही है किथे गया ही फुटपाथ ती बाइक चढ़ाती वाह भाई वाह बल्ले तेरे शिरा मैं लगता सानू डैश कैम लाना पड़ेगा मैं यही लग रहा है खड़ा लगाएगा कितने यार देखिए इधर से तेरा फोक जमे भैया तेरा डैश कैम सारा धुंधला हो जाएगा तेरा डैश कैम भी गाना गाएगा डैश कैम इधर उत्ते लगाऊंगा सब कुछ धुंधला है धुंधला सब कुछ धुंधला है धुंधला सानू वेख जो ने ना साढ़े हेटर सुनने पैंदी ने धुंधला धुंधला सब कुछ धुंधला है धुंधला ਗੱਡੀ ਟਪਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ 9:45 ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 9:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਅਭੀ ਹਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ
और अब हम सीधा स्टूडियो जा रहे हैं, रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, शायद खाने रुके तो रुकेंगे वरना सीधा स्टूडियो जाके बजेंगे मतलब हम बजेंगे ठीक है, वैसे नहीं बजेंगे मतलब कहीं हम पहुंचते हैं या कुछ होता तो ये एक स्लैंग होता कि सीधा वहीं बजेंगे, अब सीधा जाके स्टूडियो, तो उसके बाद देखते हैं स्टूडियो के बाद थोड़ी एडिटिंग वगैरह करवाते हैं उनसे। वीडियो तो वैसे उसमें बढ़िया करती है, 95 वीडियो डाला है, 5% अपना भी थोड़ा तड़का लग जाएगा तो वीडियो तैयार हो जाएगी, तो वही करना है अपने को। बाकी वीडियो का सैंपल एक बार आपको सीधा स्टूडियो में ला के दिखाते हैं, और वीडियो का सैंपल थोड़ा सा दिखाएंगे, हम दोनों भी शॉर्ट दिखेंगे बाकी को भी दिखाएंगे, क्योंकि हमें देखो भाई व्लॉग हमारा तो हमें देखोगे ना। तो हम स्टूडियो जाने वाले हैं, पाजी हमारे मिल गए थोड़े दिनों बाद। अरे कहाँ गिर गए, जूते गिरे हैं, अच्छा वो भी डॉक्टर साहब के गिरे भाई, मेरे तो नहीं थे, मुझे लगा आप गिर गए। ठीक है और कितना गिरोगे? स्टूडियो में एंटर कर लिया भाई, ने नया सिस्टम लिया, कैमरा पड़ा अंदर भाई, कैमरा रख दिया अंदर किसके? हाँ वो पड़ा हुआ सिस्टम के, अंदर सेफ है भाई, आपका पहला वीडियो एडिट इसी पे है। तो वीडियो में जो अपनी साइड से हमें चेंजेस करवाने थे अब हम वो करवा रहे हैं, ज़ूम इफेक्ट डाल रहे हैं अपने इसमें। इसके बाद आपको एक फाइनल छोटी सी वीडियो दिखाते हैं, तो चेक करो। आज हमारे रांझा बाजी का बर्थडे है, तो हम कहते केक लेने जा रहे हैं, चोरी चोरी छुपे छुपे प्रेम से, लेकिन हम रहते हैं हम। तो कौन सी जगह है ये? है कम्युनिटी सेंटर, सीसी बोलते हैं, सीसी सीसी बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत तगड़े भाई बच्चे यहाँ पे। केक देखेंगे यहाँ से कौन सा बढ़िया मिलता है, तो केक देखते हैं आपको कौन सा बढ़िया मिलता है। तो हमने ये किया क्योंकि ये पहले देखा था बुक करने के लिए, लेकिन ये नॉन वेज था तो हमने वेज लेना है, तो हमने रेड वेलवेट बुक करा। पाजी ने हमारा वीडियो शूट कर रहा है, मतलब मेरा नहीं, हमारे भाई के गाने का, तो कैसा लगा आपको भाई? बहुत मजा आ गया, बहुत ज्यादा मतलब जो एक्सपीरियंस रहा है ना काम करने में, पहले बहुत टेंशन थी क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, सब कुछ एंड द मोमेंट में हुआ है, बट जो भी हुआ नेक्स्ट लेवल हुआ है बहुत। और ये भी डर था कि क्या किनको काम पसंद आएगा नहीं आएगा, ये काम तो बढ़िया करा हमने, देखा आपका काम वही था, बस काम पसंद आना चाहिए, और यही मतलब जो मैंने सोचा था वो हुआ है। अच्छा, लेकिन काम करने में बहुत मजा आ गया, सारे ही बहुत बढ़िया बंदे थे, सारे मतलब जो भी थे ना सामान यूज करने वाले शूट पे, मेरे को ला के देते पाजी ये लो ये लो ये लो, मैं लेके बैठ गया, मैं क्या करूँ इसका। अच्छा चलो बढ़िया, बट मतलब मजा आया ना पूरा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, ठीक है। और भाई के शॉट तो मेरे को कत्ल है, अच्छा भाई की लुकिंग स्मार्ट चढ़ा रहे हैं, पाजी चढ़ा रहे हैं, अरे नहीं नहीं चढ़ा नहीं रहे, बहुत अच्छा शॉट है। मैंने स्पेशली भाई को बोला था भाई ये वाला करो, ये शॉट लेता हूँ, वो शॉट लिया, वो शॉट आया, भाई बताएंगे क्या शॉट, वो तो आया ही महंगा था, वो तो भी दिखाएंगे वीडियो में क्या शॉट लिया था, दिखाएंगे शॉट रहा। और जल्दी वीडियो आने वाली है, सारी लड़कियां वो सी पे डांस करती हुई नजर आए। सही कह रहे हो, लड़कों को छोड़कर, लड़कों को छोड़ के लड़के सिर्फ पी के नाचेंगे, लड़के वैसे भी ना सकती, वो ऐसी क्यूट लगती है, ये अफसर है परियां। चलो फिर मिलते हैं, अभी हम चले गाड़ी में। तो पाजी को आज पता नहीं था पाजी का बर्थडे है 12 बजे, भूल गया मेरा बर्थडे यार, वही तो याद रखना चाहिए था ना आपको, आपको वो याद दिलाने वाली है नहीं ना, ये तो बात है। थैंक यू भाई, 40 पर आ गए घर से, कितने देर में आ रहे हो? जब आपकी शादी होगी ना तब पता लगेगा। गल्ला दे चल रही है भाई, मिठिया मिठिया पर सानू पता नहीं लग रहा। पाजी ने एक महंगी लाइन लिखी है जी, इरशाद कि घर पे एक चेतक खड़ा है, वो भी पंचर है, दाढ़ी मूछ वाला मामला, अच्छा। भी पंचर है,
लड़कियों के लिए तो भाई तेरा डूड है, पर मम्मी बोले बेटा मेरा कंजर है। तो भाई केक की ओपनिंग कर रहे हैं अब हम, तो चलिए शुरू करते हैं। यस उसको बोल भाई खोलना ही था हमने, Happy birthday to you, happy birthday to Ranjabaji, happy birthday Ranjabaji, happy birthday Ranjabaji, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, thank you, पीछे तो artist line, बर्थडे वाले दिन भी काम करना पड़ता है, बिल्कुल पाजी, देखो, भाई shoot करता बर्थडे वाले दिन, मैं edit कर रहा हूँ बर्थडे वाले दिन, भाई देखो आपकी रेड जैकेट है इसलिए हम रेड केक लेके आए हैं। ठीक है भाई, अच्छा हुआ आप किसी और कलर की जैकेट नहीं पहन के आए, शुक्रिया बनियान मेरे लिए। भाई भाई क्या बोल रहा है, हैप्पी बर्थडे टू मी, या हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो पाजी ने बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे दी, लख लख बधाइयां, पूरा खाओ पूरा खाओ। ओके पाजी मिलते हैं फिर। अरे स्कूटी भी मैचिंग कर रही है आपके साथ, क्या रेड ब्लैक स्कूटी। पापा किसी को गाना बनाना है, गाने की वीडियो बनानी हो, भाई सारा काम करते हैं, तो भाई की लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो भाई यहाँ से अब पैकअप की तैयारी हो रही है, वीडियो हमने काफी एडिट करवा लिया है बाजी से भाई। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस जगन बाजी, जय रहन बाजी, मेरा तो बढ़िया रहा भाई, बताएंगे बाकी। मजा आ गया भाई, कह रहे मजा आ गया, और आगे भी कह रहे हैं हमसे मजे करवाते रहना। मजा आ गया भाई। मौज जरूरी है, मौज जरूरी, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि मौज रोज लो, ना मिले तो खोज लो। चलो फिर मिलते हैं गाइस रास्ते में, हम निकल रहे हैं यहाँ से, बाय बाय बाय। तो कहाँ पे गाने चलना है वैसे? अब हम NFC से निकले और NSP जा रहे हैं। तो फिर हम NSP जा रहे हैं सीधा, और इसके बाद हम वहाँ से खाएंगे पियेंगे। तो भाई हमें भूख लग रही थी अब, तो हम NSP में आगे घूमते घूमते अब यहाँ से हम देखेंगे कुछ बढ़िया सा खाने को मिल जाए तो हम वो खाएंगे, और फिर उसके बाद हम घर पे जाएंगे। बहुत लगी है भूख, खाना नहीं मिल रहा, इसलिए हमें बहुत है भूख, बहुत है भूख, मैंने बोला नहीं। NSP में भी आए हैं और यहाँ पे तो हमें साफ सफाई दिख रही है होते हुए, और लग रहा है यहाँ पे अब हमें लग रहा है कि 50 रुपए वाली मैगी खानी पड़ेगी, सामने कोल्ड ड्रिंक चख दे, जो पहाड़ों में तो मिलेगी नहीं लेकिन यहाँ पे जरूर मिल जाएगी, यहाँ की मस्त बहारों में ठंडी ठंडी हवाओं में मिलेगी। देखो दो चीजें हैं, क्या एक होता है बहारों फूल बरसाओ, और एक होता है बाहर आओ फूल बरसाओ। तो कौन से वाला काम करना है? हमने अंदर जाने वाला काम करना है, बाहर ठंड बहुत है। चलो फिर हम अंदर ही चलते हैं, मिलते हैं आगे फिर। ऊंचा लंबा कुत्ता साडी गली विच सुत्ता, रात ठंड विच भौ भौ करदा नी, भौ 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 भौ, गवंडी आदी कुत्ती उत्ते मर जानी, भौ भौ भौ। तो हम NSP गए थे और वहां पे कुछ खाने को मिला नहीं, तो हम बिरयानी चौक जाएंगे, वहाँ पे स्पेशली क्या खाने, मैगी और ऑमलेट खाने जाएंगे। तो मैगी तो खा ही लेंगे, ऑमलेट ना भी मिले तो मैगी तो खा लेंगे, मैगी तो खा लेंगे, खा क्या लेंगे, खानी पड़ेगी, वही और कोई ऑप्शन ही नहीं है, खानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है अब, गरीबी में मैगी गीली, यस, और गर्म भी, यस, और नरम भी। सबसे पहले हम ऑमलेट खाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले स्नैप लेंगे ब्रो, स्नैप तो आप लोगे ना, सेकंड राउंड मारा हमने एग मैगी का, तो अब ये खाएंगे इसके बाद हम जल्दी से घर जाएंगे। तो गाइस मैगी तो बढ़िया थी खाने में, और अब हम सोने की तैयारी करेंगे घर पे जाके, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग पे, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं।